उर्दू सफा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए ये घंटी दबाइए। यस बॉस जॉय कहा और तेजी से साइट पर मौजूद एक और कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। पाकिस्तानी एजेंटों का ग्रुप अब इमारत तक पहुंच चुका था और फिर वो लोग बड़े मोहतात अंदाज में इमारत में दाखिल हुए इनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें खदशा हो कि जहां उनके दुश्मन छुपे हुए हैं इसी लम्हे जॉय इस कमरे से बाहर आ गया मैंने इंतजाम कर लिया है बॉस कहाँ पहे हैं ये लोग चौय ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा इमारत में दाखिल हो रहे हैं लॉटना ने कहा ओह ये इस नकली सारकनी को तहखाने में उतार रहे हैं लौटना ने बड़बड़ाते हुए कहा बॉस उन्हें ख़तरा होगा कि उन्हें हम अंदर से चेक ना कर रहे हों लेकिन जब दीवार हट जाएगी तो फिर ये सब अंदर आ जाएंगे चौय ने कहा तो लॉटना ने असबात में सर हिला दिया सारकनी तहखाने में उतर चुकी थी जबकि इसके साथी वहीं बाहर रह गए थे फिर सारकनी ने दीवार पर तीन बार आहिस्ता से हाथ मारा तो दीवार हट गई और सारकनी ने वापस आकर अपने साथियों को इशारा किया और वह सब एक एक करके तहखाने में उतर गए फिर सब कितार बनाकर इस सुरंग में दाखिल हो गए तो जॉय ने मशीन का एक बटन दबाया तो अब सुरंग वाजे तौर पर स्क्रीन पर नजर आने लगी इन सब की सुरंग में दाखिल होते ही उकवी तरफ एक बार फिर दीवार बराबर हो गई और वो सब इस सुरंग में चलते हुए आगे बढ़ रहे थे गैस फायर कर दो तो। लौटना ने कहा तो जॉय ने हाथ बढ़ाकर मशीन का एक और बटन प्रेस कर दिया सुरंग में एक लम्हे के लिए तेज रोशनी हुई और फिर भुज गई लेकिन इसके साथ ही पाकिशियाई एजेंट रेत के खाली होते हुए पोरों की तरह फर्श पर गिरते चले गए वेरी गुड अब ये क्रेडिट हमें मिल जाएगा आओ उन्हें लाशों में तब्दील कर दें लॉटरा ने मुसरत परे लहजे में कहा लेकिन बॉस अगर हमसे पूछा गया कि ये लोग सुरंग के अंदर कैसे पहुंच गए तो फिर जॉय ने कहा तो लाटना पे इख्तियार चौंक पड़ा ओहा वाकई ये सोचने की बात है ठीक है उन इस पर खुशी के आलमें उठा कर ऊपर जंगल के अंदर डाल देते हैं और फिर उन्हें वहाँ हलाक कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ये लोग दोनों एजेंसीज़ को धोखा देकर जंगल में दाखिल हो गए थे जहाँ हमने उन्हें हलाक कर दिया और इस तरह दोनों एजेंसियों पर हमारी बरतरी भी साबित हो जाएगी लॉटना ने कहा उन्हें सरंग में ही हलाक करके जंगल में उनकी लाशें डाल दी जाएं जॉय ने कहा नहीं इस तरह यहाँ खून के थप्पे होंगे जंगल में नहीं होंगे इसलिए उन्हें जंगल में ही हलाक होना चाहिए लॉर्ड ने कहा यस बॉस अब वाकई बेहद गहराई में सोचते हैं जॉय ने कहा तुम सिक्योरिटी को कॉल करके उन्हें कह दो कि उन्हें उठाकर ऊपर मेन रास्ते से बाहर जंगल में पहुंचा दें और मुझे इतला दो मैं उन्हें अपने हाथों से हलाक करूंगा लॉटना ने कहा यस बॉस जॉय ने कहा तो लॉटना ने अस बाद में सर हिलाया और उठकर वापस अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया उसके चेहरे पर गहरे एतमीनान के तासुरात उभर आए इमरान अपने साथियों समेत मشرق سمت में बढ़ा चला जा रहा था तो जंगल की साइड से होकर दोबारा मुअब्बित की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाते हुए थे लेकिन फिर अचानक लौटना के ट्रांसमीटर कॉल आ गई इसने उन्हें कहा कि चूंकि जीपी5 और ब्लैक फ़ाइटर्स दोनों मुआबित को घेरे हुए हैं इसलिए सारकनी अब दूसरे रास्ते से अंदर आए ये वही रास्ता था जिसकी तरफ अब वो बढ़े चले जा रहे थे हैरत है, है इमरान साहब बासुकत कैसे इतफ़ाक़ात होते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है सफ्तर ने कहा कैसे इतफ़ाक़ात इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा आप देखेंगे हम किस कदर परेशान थे लेकिन कुदरत ने ख़ुद ख़ुद जी पी फाइव और ब्लैक फाइटर से बचा कर लेबॉट्री में दाखिल होने का रास्ता खोज दिया सफ्तर ने कहा मैं तो सोच रहा हूं कि अगर लेबार्ट्री के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास इस कदर जद तरीन मशीनी मौजूद है कि वो से काफी फ़ासले पर मौजूद जी पी फाइव ओब्लैक फाइटर्स के आदमियों को चेक कर सकता है तो फिर वो यहाँ पर हमें भी लाजमन चेक कर लेगा और साहिर है इनका तो ख्याल है कि सारकनी अकेली आ रही है लेकिन जब वो पूरे ग्रुप को देखेगा तो फिर क्या होगा इमरान ने कहा ओह आप दुरुस्त कह रहे हैं फिर क्या किया जाए सफ्तर ने कहा इमरान की बात सुनकर वो परेशान हो गया था अब क्या किया जा सकता है हमें बहरहाल इंतहाई मोहतात रहना होगा इमरान ने कहा इमरान साहब मेरा ख्याल है कि हम चेक हो चुके हैं अचानक कैप्टन शकील ने कहा तो इस बार सफ्तर के साथ साथ इमरान भी चौंक पड़ा वो कैसे इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा अगर ये लोग जी पी फाइव और ब्लैक फाइटर्स को चेक कर सकते हैं तो लामाला हमें भी साथ ही उन्होंने चेक किया होगा कैप्टन शकीन ने कहा ओ हाँ वाकई ही तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन फिर उन्होंने हमें ठील क्यों दी है सफदन ने कहा हो सकता है कि वो सार्कनी की वजह से खामोश हो उनका ख्याल हो कि हम लोग सार्कनी को हिफाजत से पहुंचाने के लिए साथ आ रहे हों इमरान ने कहा नहीं इमरान साहब लौटना चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है वो तरबियत याफ्ता आदमी है मेरा ख़्याल है कि उसे असल हकीकत का इल्म हो चुका है लेकिन वो खुद क्रेडिट हासिल करने के लिए हमें इस तरफ बुला रहा है कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो फिर हम पर जो वार भी होगा वो लेबॉर्टरी के अंदर ही होगा इमरान ने कहा वो क्यों सफ्तर ने चौंक कर कहा यहाँ हमें हलाक करके वो क्रेडिट नहीं ले सकेंगे बल्कि फायरिंग या कोई रेस फायर होते ही आवाज़ ब्लैक फाइटर्स और जी पी फाइव तक पहुँचाएगी और वो लोग हमारी लाशें ले उड़ेंगे इमरान ने कहा इस तरह तो वो हमें पहले बेहोश करेंगे और फिर फायरिंग करेंगे सफ्तर ने कहा हाँ और चूंकि इस पूरे मिशन के दौरान हम एक बार भी बेहोश नहीं हुए इसलिए मेरा तो नशा टूट रहा है इमरान ने कहा तो सब बे हंस पड़े इमरान साहब आपने बेहोशी से बचने की जो गोलियां खरीदी थी वो कब आएंगी कैप्टन शकील ने कहा वो गोलियां डबल काम करती हैं बेहोशी से बचने का भी और मफलूज होने से बचने का भी अच्छा हुआ सारी बातें अभी वासें हो गई सफदर तुम्हारे पास शीशी है दो गोलियां खुद भी निकल लो और दो दो बाकी साथियों को भी दे दो इमरान ने कहा तो सफदर ने इस में सर हिला दिया थोड़ी देर बाद वो सब गोलियां निकल चुके थे अब वो पुरानी सी टूटी फूटी इमारत के करीब पहुंच चुके थे थोड़ी देर बाद वो इमारत के करीब पहुँच कर रुक गए इनतहाई एहतियात से अंदर जाना होगा हो सकता है कि अंदर हमारे लिए जाल बिछाया गया हो इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो आगे बढ़कर इमारत में दाखिल हो गया लेकिन अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हो गया कि इमारत खाली पड़ी हुई है ये इमारत तो खाली है इमरान साहब सफदर ने कहा हाँ लेकिन तहखाने में पहले सालिया अकेली जाएगी हो सकता है कि तहखाने में कोई टेलीविजन नस्ब हो इमरान ने कहा और फिर आगे बढ़कर वो सब इस तहखाने के करीब रुक गए सालिया आगे बढ़कर तहखाने में उतर गई इसने दाएं दीवार पर तीन बार हाथ मारा तो सरर की आवाज़ के साथ ही दीवार और दरमियान से हटकर दोनों अतराफ में गायब हो गई और सामने एक सुरंग नज़र आने लगी दीवार हट गई है तहखाने से सालिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान आगे बढ़ा फिर उसने चंद लम्बों तक तहखाने का जायज़ा लिया और उसके बाद अपने साथियों को इशारा करके वो तहखाने में उतर गया उसके साथी भी उसके पीछे तहखाने में उतर गए मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ख़तरा इस सुरंग के अंदर है इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा और फिर उसने इस सुरंग का जायज़ा लेना शुरू कर दिया ओह इस छत पर रेस पॉइंट मौजूद है होशियार रहना जैसे ही रेस पॉइंट से रेस हम पर फायर हो हम सब ने बेहोश हो जाना है इमरान ने कहा और आगे बढ़ गया उसके साथ ही भी इसके पीछे अंदर दाखिल हो गए और उनके उकम में सरर की आवाज के साथ ही दीवार बराबर हो गई सुरंग में अंधेरा छा गया लेकिन वो भी चंद कदम ही आगे बढ़े होंगे हो लेकिन तुम में।, ने तीस लहजे में कहा और उसके साथ ही इस तरह नीचे गिरने लगा जैसे रेत का बोरा खाली होता है इसके हाथों में इसकी पैरवी की और फिर वो सब टेढ़े मेढ़े अंदाज में सुरंग के आकाश में पड़े हुए थे अगर उन्होंने आते ही फायर खोल दिया तो सफ्तर ने आहिस्ता से कहा, अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो फिर सुरंग में यह सिस्टम नसब कर सकते थे बाहर हाल फिर भी होशियार रहना इमरान ने जवाब दिया और फिर थोड़ी देर बाद सुरंग में दौड़ से दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी वो इन सब के आसाब तनसे गए इन सबके हाथों की जेबों में थी हाथ उनकी जेबों में थे जिनमें मशीन पिस्टल्स मौजूद थे चंद लम्बो बाद सात दौड़ते हुए नजर आए लेकिन इमरान और उसके साथियों को यह देखकर ऐतमिन हो गया कि इन सबकी मशीन गने उनके कंधों पर थी उन्हें उठाओ हमने उन्हें यहाँ से इंद्रोनी पॉइंट से बाहर जंगल में ले जाकर हलाक करना है उठाओ इन्हें सब आगे बढ़े और उन्होंने इमरान और उसके साथियों को उठाकर कांधों पर डाल लिया और फिर वो सब मुड़कर सुरंग में आगे बढ़ते चले गए सुरंग का अख्तितम एक बड़े कमरे में हुआ जहां दो मौजूद थे, उन्हें यहीं डाल दो। बॉस ने उन्हें यहीं हलाक करने का फैसला कर लिया है वहां पहले से मौजूद एक आदमी ने कहा तो इमरान उसके साथियों को वही फर्श पर डाल दिया गया और उन्हें ले आने वाले तेजी से मुड़कर दरवाजे से बाहर चले गए चंद लम्बों बाद सामने मौजूद दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्सिशी जिसम का आदमी अंदर दाखिल हुआ उसके हाथ में मशीन गन थी वो बड़े फाखिराना अंदाज में चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ उसके पीछे एक और नौजवान था और वो खाली हाथ था तो ये हैं वो पाकिशियाई जिन्हें इस कदर अहमियत दी जा रही थी आने वाले ने हकारत भरे लहजे में कहा बॉस आपने फैसला क्यों बदल दिया इस तरह तो खून के धब्बे जंगल में नज़र नहीं आएंगे पीछे आने वाले नौजवान ने कहा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जॉय बॉस ने जवाब देते हुए कहा बॉस अस्थम रेस फायर होने के बाद कोई रिस्क हो ही नहीं सकता तो ये कई घंटों तक हरकत ही ना कर सकेंगे जॉय ने कहा नहीं मैंने जो फैसला किया है वो दुरुस्त है इनकी लाशें जंगल में डाली जाएंगी बॉस ने कहा और उसके साथ ही इसने मशीन गन का रुख उनकी तरफ कर दिया और अचानक तड़तड़ाहट तर की आवाज़ों के साथ ही कमरा इनकी चीखों से गूंज उठा और पलक झपकते ही इमरान और उसके साथ ही ना सिर्फ उठ खड़े हो गए बल्कि वहाँ पहले से मौजूद अफराद और जॉय एक तरह से नीचे गिरे और तड़पने लगे जबकि बॉस के हाथ से मशीन घर निकल कर नीचे गिरी और इस अंदाज में कि इधर उधर देख रहे थे जैसे उनकी बेनाई चली गई हो दूसरे लम्हे वो भी चीखता हुआ नीचे गिर गया उसने नीचे गिरते ही उठने की कोशिश की लेकिन इमरान जिसने उससे पहले सरब लगा कर गिराया था उसने एक और भरपूर सरब लगाई तो इसके हलक से कर्बनाक चीख निकली और वो साकित हो गया मैं इससे पूछ कुछ करता हूँ तुम जाओ और सबका ख़ात्मा कर दो इमरान ने कहा तो उसके साथ दौड़ते हुए इस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जहाँ से बॉस और उसके साथी आए थे बॉस के हाथों से निकलने वाली मशीन गन तनवीर ने झपड़ ली थी इमरान ने झुककर इस बॉस की बेल्ट खोली और फिर उसको पुष्ट के बल लिटाकर उसके हाथ उकब में बांध दिए इमरान समझ गया था कि ये लौटना ही है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एक बार तो उसने झुककर उसका नाक और मुंह बंद करके उसे होश में लाने का इरादा किया लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया और फिर तकरीबन बीस मिनट बाद दरवाज़ा खुला और सफदर अंदर दाखिल हुआ इमरान साहब ये लेबॉट्री नहीं बल्कि सिक्योरिटी विंग है यहाँ मौजूद अफराद को हलाक कर दिया गया है सफ्तर ने कहा ठीक है उसे उठाओ और ये ख़ुद हमें लेबॉट्री का रास्ता बताएगा इमरान ने कहा तो सफ्तर ने आगे बढ़कर बेहोश पड़े हुए बॉस को उठाया और कांते पलाद कर दरवाजे की तरफ़ बढ़ गया इमरान इसके पीछे था कर्नल डेविड पहाड़ी गार में बेचैनी के आलम में टहल रहा था वो बार बार घड़ी देखता और पे टहलना शुरू कर देता आठ बज चुके हैं लेकिन कैप्टन रौसला की तरफ से कोई इतला नहीं आ रही आखिर क्या हो रहा है कर्नल डेविड ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने ट्रांसमीटर उठा लिया क्योंकि अब मजीद इंतज़ार उसकी बर्दाश्त से बाहर था उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया क्योंकि फ्रिक्वेंसी वो इससे पहले ही एडजस्ट कर चुका था हेलो कर्नल डेविड कॉलिंग ओवर कर्नल डेविड ने बार बार कॉल देते हुए कहा यस चीफ मैं कैप्टन रौसला बोल रहा हूँ ओवर थोड़ी देर बाद कैप्टन रौसला की आवाज सुनाई थी क्या कर रहे हो तुम अभी तक तुमने रिपोर्ट नहीं दी ओवर कर्नल डेविड ने हालांकि पल चीखते हुए कहा चीफ अभी तक यहाँ कोई नहीं आया हम सब इंतज़ार कर रहे हैं ओवर कैप्टन रौसला ने कहा लेकिन उन्होंने तो आठ बजे आना था अब तो साढ़े आठ बज रहे हैं ओवर कर्नल डेविड ने कहा लेकिन यहाँ कोई नहीं आया ओवर कैप्टन रौसला ने कहा कैप्टन तुम गाफ़िल तो नहीं हो गए थे वो तो बदरूहें हैं शैतान हैं तुम्हारी मामूली गफलत से वो अपना काम कर जाएंगे ओवर कर्नल डेविड ने कहा हम मुसलसल मोबिद और इसके इर्द गिर्द के इलाके की निगरानी कर रहे हैं जनाब और एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हुए और ना ही इधर कोई आया है हर तरफ मुकम्मल खामोशी है ओवर, कैप्टन रौसला ने जवाब देते हुए कहा ओह हो सकता है कि वो देर से आए तुम बाहर हाल मोहतात और होशियार रहना ओवर कर्नल टैविड ने कहा यस सर ओवर दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल डेविड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया वो क्यों नहीं आए आखिर क्या वजह है उन्हें हमारी प्लानिंग का इल्म तो नहीं हो गया कर्नल डेविड ने पड़पड़ाते हुए कहा और एक बार फिर उठकर टहलना शुरू कर दिया तकरीबन एक घंटे तक वो बेचैनी से टहलता रहा अब तक नहीं आए तो अब नहीं आएंगे उन्हें लाजिमन इतलाह मिल गई होगी कर्नल डेविड ने कंधे उचकाते हुए कहा और फिर वो अभी ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ा ही था कि ट्रांसमीटर से सीटी की तेज आवाज सुनाई थी तो कर्नल डेविड ने छपट कर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया हेलो कैप्टन रौसला कॉलिंग ओवर कैप्टन की तेज आवाज सुनाई दी यस कर्नल कर्नल डेविड डेविड अटेंडिंग यू ओवर ने कहा बॉस हमारे कहाकम में ब्लैक फाइटर्स के लोग मौजूद थे वो भी पाकिस्तानी एजेंटों के इंतजार में थे अब से थोड़ी देर पहले अचानक दो हेलीकॉप्टर आकर हमारे हकम में उतरे तो हम सब हैरान रह गए हमने दूरबीन से चेकिंग की तो वहाँ ब्लैक फाइटर्स के लोग मौजूद थे वो सब हेलीकॉप्टर में सवार हो रहे थे और फिर हमारे देखते ही देखते वो हैली कप्तान सवार होकर वापस पहाड़ियों की तरफ चले गए ओवर कैप्टन रॉसले ने रिपोर्ट देते हुए कहा हम्म इसका मतलब है कि वो लोग भी हमारी तरह इन पाकिस्तानी एजेंटों के मुंतसिब थे अगर वो आ जाते तो ला महाला ये हमला करके उनके साथ तुम्हें भी हलाक कर देते बहरहाल अब क्या हो सकता है तुम भी वापस आ जाओ ओवर कर्नल डेविड ने कहा बॉस मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी चीफ लाडना से ब्राह रास्त बात की जाए कुछ ना कुछ बाहर हाल कर बढ़ हुई है आवर, कैप्टन रौसला ने कहा ठीक है तुम आ जाओ फिर बात करते हैं एंड ओल, ने कहा, और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया ये ब्लैक फाइटर तो हमारे पीछे ही पड़ गई है इसका कोई इलाज करना ही पड़ेगा कर्नल डेविड ने होठ चबाते हुए कहा और फिर तकरीबन एक घंटे बाद कैप्टन रौसला कार में दाखिल हुआ और उसने कर्नल डेविड को मौत पाना अंदाज में सलाम किया बैठो और तफसील से रिपोर्ट दो कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रौसला ने शुरू से आखिर तक तफसील बता दी लेकिन इस रिपोर्ट का लबो लबाब वही था वो पहले ट्रांसमीटर पर बता चुका था तो तुम्हें हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले ये इल्म ना था कि तुम्हारे उकब में ब्लैक फाइटर्स मौजूद हैं कर्नल डेविड ने गुर्राते हुए कहा नहीं जनाब वो हमसे तकरीबन तीन सौ गस पीछे थे और हमारे जहनों में भी ये बात नहीं थी कि वो लोग भी वहाँ आ सकते हैं कैप्टन रौसला ने जवाब देते हुए कहा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कराओ कर्नल डेविड ने कहा तो कैप्टन रॉसला ने मीज पर पड़े हुए सैटेलाइट फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया दूसरी तो तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई थी और फिर रिसीवर उठा लिया गया यस एक मरताना आवाज सुनाई थी कैप्टन रौसला बोल रहा हूँ जी का कैप्टन रौसला चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कराओ कैप्टन रौसला ने कहा यस लौटना बोल रहा हूँ दूसरी तरफ से जवाब आया चीफ ऑफ जीवी फाइव कर्नल डेविड से बात करने कैप्टन रौसला ने कहा और रिसीवर कर्नल डेविड की तरफ बढ़ा दिया हेलो कर्नल डेविड बोल रहा हूँ कर्नल डेविड ने तहमकाना लहजे में कहा चीफ फरमाइए दूसरी तरफ से कहा क्या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को लेबॉटरी में दाखिल होने की इजाज़त दी थी आपकी और आपके फ्रेंड के दरमियान होने वाली बातचीत हमारे पास टीप शुदा मौजूद है हालांकि आपको मालूम है कि यहाँ हंगामी हालात नाफ़िस हैं फिर क्यों आपने ऐसा किया कर्नल डेविड ने तहमकाना लहजे में कहा आप ये रिकॉर्डिंग ले जाकर सदर साहब को पेश कर दें मैं बरह रास्त उनके सामने जवाब दे हूँ और यह भी सुन लें कि सदर साहब की इजाज़त से यह बात हुई है दूसरी तो तरफ से इंतहाई सख्त लहजे में कहा गया अगर ऐसा है तो फिर ठीक है लेकिन फिर आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई कर्नल डेविड ने इस बार नरम लहजे में कहा मैंने उसे मना कर दिया था दूसरी तो तरफ से कहा गया कब कर्नल डेविड ने चौंक कर पूछा जब पहले बात हुई तो उसके पंद्रह मिनट बाद क्यों दूसरी तरफ से कहा गया वेरी बैड हम ख्वाह इंतजार करते रहे कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा और सीवर कॉरिडर पर पटख दिया अब हम कब तक यहां बैठे उल्लुओं की तरह उनके आने का इंतजार करते रहेंगे कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा बॉस आप हुक्म दे तो मैं थ्यूना जाकर उन्हें ट्रेस करने की कोशिश करूं कैप्टन रौसला ने कहा क्या वो तुम्हें सड़क पर बैठे मिल जाएंगे नॉनसेंस कर्नल डेविड ने गुस्सेले लहजे में कहा सर थ्यूना से जंगल की तरफ आने वाले रास्ते में तो पैकेटिंग हो सकती है कैप्टन रौसला ने सहमे हुए लहजे में कहा ओहा तुम ठीक कह रहे हो वेरी गुड इस तरह हम ब्लैक फाइटर से पहले उन्हें मार गिराएंगे वेरी गुड तुम फौरन अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंचो वहां एक छोटा सा चेकिंग स्टेशन भी बना हुआ है कर्नल डेविड ने कहा यस सर कैप्टन रौसला ने कहा और उठकर खड़ा हो गया वो लोग लाजिमन मनाएंगे आएंगे उन्होंने बाहर हाल मिशन मुकम्मल करना है इसलिए तुम हर वक्त इंतहाई मोहतात और होशियार रहना कर्नल डेविड ने कहा यस बॉस कैप्टन रॉसला ने कहा और सुनो उन्हें एक लम्हे की भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए फौरन उन पर फायर खोल देना कर्नल डेविड ने कहा यस बॉस आपके हुक्म की तामील होगी कैप्टन रॉसला ने कहा और मुड़कर गार की दहाने की तरफ बढ़ा चला गया नल गौस्का पहाड़ी गार के अंदर कुर्सी पर खामोश बैठा हुआ था इसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी की थी कैप्टन स्मिथ को उसने आदमियों समेत वापस कॉल कर दिया था क्योंकि अब दस बज चुके थे इसलिए उसे यकीन हो गया था कि पाकिशियाई एजेंट अब कम अज़ कम इस मोहब्बत में नहीं आएंगे लेकिन उसके साथ साथ वो मुसलसिल सोच रहा था कि इन एजेंटों को कैसे ट्रेस किया जाए लेकिन कोई तजवीज़ उसके सहन में ना आ रही थी अब उसे यहाँ बैठ कर उनका इंतज़ार करना हमाकत लग रहा था गॉस से मालूम था कि कर्नल डेविड और जी पी भी वहाँ मौजूद है लेकिन अब वो उन्हें नज़रअंदाज करने का फैसला कर चुका था थोड़ी देर बाद गार के तिहाने से स्मिथ अंदर दाखिल हुआ बॉस अब क्या करना होगा स्मिथ ने करीब आकर कहा घंटे से बैठा यही सोच रहा हूँ लेकिन कोई तजवीज़ी समझ नहीं आ रही कर्नल गोस्टा कहा बॉस, अगर आप इजाजत दे तो मैं ना उन्हें ट्रेस करूं, स्मिथ ने कहा वहां दो बार हमने ट्रेस किया और दोनों बार हमें शिकस्त उठाना पड़ी हत्या सदर साहब के सामने सामने भी शर्मिंदगी के सिवा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ कर्नल गौस्ता ने कहा ओह बॉस वेरी बैड अब वो हमसे ना छुप सकेंगे अचानक स्मिथ ने उछलते हुए कहा तो कर्नल गौस्टा ने चौंककर उसकी तरफ देखा

में कहा लेकिन क्या तुम्हें पाकिशियाई जुबान आती है कर्नल गोस्टा ने कहा मुझे नहीं आती समित ने इस बार डीले लहजे में कहा फिर किस तरह चेकिंग होगी कर्नल गौस्टा ने कहा बॉस इस एजेंट इमरान का नाम फीड करते हैं किसी ना किसी वक्त उसका कोई ना कोई साथी लाजिमन इसका नाम लेगा ने कहा तो इस बार कर्नल गौस्टा खुद भी उछल पड़ा इसके चेहरे पर यख इंतहाई जोश के तासुरात उभर आए ओह वेरी गुड स्मिथ तुमने मेरे अंदर रुख फोंक दी कहा है ये कंडक्टर कर्नल गौस्टा ने कहा यही मौजूद है मैं चूंके साथ टॉप एमरजेंसी बैग ले आया था यह इसमें मौजूद है लेकिन इस बारे में मेरे जहन में अचानक ख्याल आ गया मैं ले आता हूँ स्मिथ ने मुसरत भरे लहजे में कहा और उठकर गार की दिहाने की तरफ बढ़ गया तकरीबन 20 मिनट बाद वो वापस आया तो उसके पीछे चार आदमी एक बड़ी सी मशीन को उठाए अंदर दाखिल हुए जबकि स्मिथ के हाथ में एक बड़ा ब्रीफ केस था ये इतनी बड़ी मशीन तुम तो एमरजेंसी बैग की बात कर रहे थे कर्नल गौस्टा ने कहा जनाब ये इस कंडक्टर का मॉनिटर है कंडक्टर तो इस बैग में है स्मिथ ने जवाब दिया और फिर उसने कार के एक कोने में मौजूद मेज़ पर मशीन रख दी और वो चारों शख्स वापस चले गए उसने बैग खोल कर उसमें से एक आला निकाला और उस मशीन की नस्प के उकम में नस्ब करके उसने उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया मशीन की स्क्रीन पर झमाके से होने लगे कर्नल गॉस्टा खामोश बैठा सब कुछ देख रहा था और अचानक मशीन पर एस एस के हरूफ उभर आए इसका मतलब है बॉस के कंडक्टर का रास्ता सैटेलाइट से हो गया है स्मिथ ने कहा और एक बार फिर मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर एक नक्शा सा फैलता चला गया ये थ्यूना और उसके गिर तो का नक्शा है बॉस स्मिथ ने कहा तो कर्नल गोस्टा ने इस में सर हिला दिया कुछ देर बाद स्मिथ ने मशीन की साइड पे एक माइक निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया इमरान स्मिथ ने कहा और मुसलसल ये नाम बोलता चला गया अचानक मशीन पर एफ का हरफ उभरा तो स्मिथ ने माइक ऑफ करके उसे वापस मशीन में हुक से लटका दिया और फिर मशीन का एक बड़ा हैंडल उसने झटके से नीचे कर दिया बॉस अब हमें इंतजार करना पड़ेगा ना जाने वो लोग कब ये नाम अदा करें स्मिथ ने मुड़कर कुर्सी पर बैठते हुए कहा क्या इसकी रेंज पूरे थ्यूना तक है कर्नल गौस्टा ने पूछा नहीं जनाब इन पहाड़ों और इस मलिका इलाके तक, तक तकरीबन बीस किलोमीटर के दायरे में स्मिथ ने जवाब दिया लेकिन सैटेलाइट से तो पूरे थ्यूना को भी टारगेट बनाया जा सकता है कर्नल गौस्टा ने कहा नहीं जनाब कंडक्टर की अपनी रेंज जितनी है और बगैर सैटेलाइट के इसकी रेंज सिर्फ सौ गज रह जाती है स्मिथ ने जवाब दिया फिर तो जब ये लोग यहाँ पहुंचेंगे तभी इनकी निशानदही होगी कर्नल गौस्टा ने मुंह बनाते हुए कहा लेकिन इससे पहले कि स्मिथ कोई जवाब देता मशीन से सीटी की आवाज़ सुनाई दी और स्मिथ बेअख्तियार उठकर मशीन की तरफ दौड़ पड़ा कर्नल गौस्टा भी चौंक कर मशीन को देखने लगा अब स्क्रीन पर सुर्ख रंग का बड़ा सा नुकता एक जगह तेजी से चलता बुझता दिखाई दे रहा था बॉस बॉस ये लोग जंगल के अंदर मौजूद है कंडक्टर कौशन दे रहा है स्मिथ ने करीब जाकर स्क्रीन को गौर से देखते हुए कहा जंगल में कौन से जंगल में कर्नल कॉस्टा ने यख उछलते हुए कहा इसी जंगल में बॉस जिसमें लेबोटरी है स्मिथ ने कहा ओह वेरी बैड वो जंगल में भी पहुंच गए वेरी बैड कर्नल गौस्टा ने कहा बॉस जंगल में तो लेबॉटरी के इंतहाई खुफिया हिफाजती इंतजाम हैं इसके बावजूद वो जंगल में मौजूद हैं स्मिथ ने कहा जल्दी करो हमें जंगल को घेरना है जल्दी करो कर्नल ने कहा जनाब हम हाँ वहाँ के की में आ सकते हैं पहले मुझे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से बात करनी होगी ये लोग जंगल में कैसे पहुँच गए और वहाँ के इंतजाम का क्या हुआ स्मिथ ने कहा और तेजी से मुड़कर उसने एक तरफ मेज़ पर रखे हुए सेटेलाइट फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया दूसरी तरफ घंटी बुझने की आवाज़ें सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया यस एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी ब्लैक फाइटर्स के चीफ कर्नल गौस्टा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर लाडना से बात करना चाहते हैं स्मिथ ने फोन सेक्रेटरी के अंदाज में कहा कराओ बात मैं लॉडना बो रहा हूँ तो उसी तरफ से कहा गया तो स्मिथ ने रिसीवर कर्नल गौस्टा की तरफ बढ़ा दिया हेलो कर्नल गौस्टा बो रहा हूँ कर्नल गौस्टा ने तेज लहजे में कहा जी फरमाइए दूसरी तो तरफ से कहा गया हमें इतला मिली है कि आपकी लेबॉर्टरी के ऊपर जंगल में पाकिशियाई एजेंट मौजूद हैं आप लोग क्या कर रहे हैं क्यों उन्हें चेक नहीं किया क्या कर्नल गोस्टा ने तीस लहजे में कहा आपको किसने इतला दी है उसी तरफ से कहा किया आप इस बात को छोड़ें जो मैंने पूछा है उसके बारे में बताएं कर्नल गोस्टा ने सत लहजे में कहा आपको गलत इतला दी गई है जंगल में अगर कोई चिड़िया भी दाखिल हो तो हमें इसका इल्म हो जाता है और हम अंदर बैठे बैठे उसे हलाक कर सकते हैं और हम ये निगरानी चौबीस घंटे करते रहते हैं और अभी तक कोई इंसान जंगल में दाखिल नहीं हुआ लाडना ने तेज लहजे में कहा क्या तुम्हें यकीन है कर्नल गौस्टा ने होंठ चबाते हुए कहा यस मैं पूरी यकीन से बात कर रहा हूं उसी तरफ से बातमाद लहजे में कहा गया ओके कर्नल गौस्टा ने कहा और हाथ बढ़ाकर रसीवर रख दिया उसके चेहरे पर मायूसी के तासुर ऊपर आए थे तुम्हारा कंडक्टर गलत कॉशन दे रहा है कर्नल गौस्टा ने रसीवा रखते हुए कहा नहीं जनाब ये सैटेलाइट कंडक्टर गलत कॉशन दे नहीं सकता लौटना झूठ बो रहा है स्मिथ ने लौटना से भी ज्यादा एतमाद भरे लहजे में कहा फिर अब क्या किया जाए कर्नल गौस्टा ने होंठ चबाते हुए कहा बॉस हम जंगल की चारों तरफ अपने आदमी फैला देते हैं ये लोग किसी ना किसी तरफ से तो जंगल से बाहर निकलेंगे और हम उन्हें छाप लेंगे स्मिथ ने कहा नहीं इस तरह जी पी फाइव को इल्म हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि जी पी फाइव को इल्म ना हो सके और हम उन्हें हलाक कर दें कर्नल गौस्टा ने कहा तो फिर एक ही सूरत है बॉस कि हम यहाँ निगरानी करने की बजाय थ्यूना में दाखिल होने वाले रास्ते के करीब पैक्टिंग कर लें ये लोग बाहर हाल थ्यूना ही चाहेंगे स्मिथ ने कहा इस कंडक्टर को भी साथ ले जाते हैं और वहां थ्यूना में उसे एडजस्ट कर देते हैं ताकि वो जिस रास्ते से भी थ्यूना में दाखिल हो उन्हें चेक कर लिया जाए कर्नल गोस्टा ने कहा यह और भी अच्छा है इस तरह जी पी फाइव मुकम्मल तौर पर हमारी तरफ से मुतमयन हो जाएगी कि हम वापस जा चुके हैं स्मिथ ने कहा ओके चलो तैयारी करो लेकिन अगर ये लोग वापस ना आ जा सके और यहीं हलाक हो गए तब कर्नल गोस्टा ने अचानक चौंकते हुए कहा इसका अंदाज़ ऐसा था जैसे अचानक उसे इस बात का ख्याल आ गया हो सर जो लोग इस तरह जंगल में दाखिल हो सकते हैं कि ना ही जी पी फाइव को इसका इल्म हो और ना हमें और ना ही अब तक लौटना को पता चल सका है लिहाजा ये लोग आसानी से इनमें से किसी के काबू में भी नहीं आ सकते और लेबार्ट्री में दाखिल होने वाले रास्ते चूंकि अंदर से ही खुलते होंगे इसलिए ये अंदर तो दाखिल नहीं हो सकते ये वहां फायरिंग या बम भी नहीं मार सकते क्योंकि इस तरह ये फौरन चेक हो जाएंगे इसलिए लामा ये वापस थ्यू ना पहुंचेंगे ताकि मजीद गौरव फिक्र कर सकें और हम वहाँ उन्हें छाप लेंगे स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा ठीक है कर्नल गौस्टा ने कहा और उठ खड़ा हुआ इसके चेहरे पर एतमीनान के तस्रात नुमाया हो गए थे वो स्मिथ की बात से जहनी तौर पर मुतफक हो गया था इमरान ने रस्सी व रखा तो इसके चेहरे पर परेशानी के तस्रातर आए क्या हुआ है तुम परेशान हो गए हो चूलिया ने कहा हमें किसी साइंसी आला के जरिए चेक किया गया है ये और बात है कि चेकिंग के नतीजे में उन्हें यही मालूम हुआ कि हम जंगल में हैं इमरान ने कहा यह कैसे मुमकिन है चूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा कर्नल कोस्टा के लहजे में जो एतम था वो बता रहा था कि उसे यकीन है कि हम जंगल में हैं इमरान ने कहा लेकिन यह कैसे मुमकिन है चूलिया ने कहा ब्लैक फाइटर्स इंतहाई जदीद आला इस्तेमाल कर रही है बहरहाल अब हमें मोहतात रहना होगा इमरान ने कहा और इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और सफ्तर अंदर दाखिल हुआ इसके पीछे तनवीर और कैप्टन शकील भी था क्या रहा इमरान ने कहा हमने तमाम लेबॉर्टरी में टी एस थ्री नस्ब कर दी हैं सफर ने कहा ओके आओ अब निकल चलें। इमरान ने कहा और उठकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गया इमरान साहब आपने चेक कर लिया है कि फॉर्मूला वही है जो हमें चाहिए था सफ्तर ने कहा हाँ मैंने चेक कर लिया है इमरान ने मुड़े बगैर कहा और फिर वो सब आगे बढ़ने लगे थोड़ी देर बाद वो एक तवील सुरंग में बढ़े चले जा रहे थे इमरान साहब आप नए रास्ते से जा रहे हैं इस पहले वाले रास्ते से वापस क्यों नहीं गए इस बार कैप्टन शकील ने कहा इस नए रास्ते का देहाना काफी दूर जाकर खुलेगा और हमने अब थ्यूना नहीं जाना इमरान ने कहा तो सब चौंक पड़े क्यों सबने हैरान होते हुए कहा तो इमरान ने उन्हें कर्नल गौस्टा की काल के मुतल बता दिया और उसे कैसे मालूम हुआ कि हम जंगल में हैं सफ्तर ने हैरत भरे लहजे में कहा इमरान साहब जंगल की बात सुनकर मेरे सहन में एक ख्याल आया है अचानक कैप्टन शकील ने कहा क्या इमरान ने पूछा उन्होंने यकीन हमें किसी साइंसी आला से चेक किया है और इस आले ने नक्शे पर हमारी मौजूदगी की जहाँ निशानदही की होगी वो जंगल में होगा कैप्टन शकील ने कहा तो इमरान भी इख्तियार उछल पड़ा ओह वेरी बैड तुम्हारी नक्शे वाली बात दुरुस्त है हमें किसी भी जरिए से चेक किया गया लेकिन नक्शे पर चूंकि जंगल दिखाया गया है इसलिए उन्होंने ये समझा कि हम जंगल में मौजूद हैं इमरान ने कहा लेकिन किस तरह चेक किया क्या होगा अगर वो हमारी बातें सुन सकते हैं फिर उन्हें मालूम हो जाता कि हम लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं सफदर ने कहा उन्होंने मेरा नाम कंप्यूटर में फीड किया होगा और तुमने चूंकि यहाँ बार बार मेरा नाम लिया है इसलिए कंप्यूटर ने नक्शे पर जंगल में हमारी मौजूदगी की निशानदही कर दी है इमरान ने कहा तो फिर अब क्या करना है उन्होंने लाजिमन जंगल को चारों तरफ से घेर लिया होगा सालिया ने कहा घेरते रहें हम जंगल से काफ़ी फासले पर रहेंगे अलबत्त तुम में से कोई मेरा नाम नहीं लेगा और ना ही पाकिशी जबान का कोई लफ्ज़ अदा करेगा इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए सुरंग के खात्मे पर वो जहाँ से बाहर निकले वहां हर तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ी टीले थे पहाड़ी चोटियाँ और जंगल वहाँ से काफी फासले पर था इमरान ने एक चट्टान की ओर से इर्द गिर्द का जायजा लिया हमें ऊपर चोटी से भी चेक किया जा सकता है सफदर ने कहा हाँ तुम्हारी बात दुरुस्त है इसलिए पुरानी कहावत है के मुताबिक हमें टारगेट की तरफ ही चलना चाहिए इमरान ने कहा टारगेट की तरफ क्या मतलब सफदर ने हैरान होकर पूछा पुरानी कहावत है कि एक आदमी तीर अंदाजी कर रहा था लेकिन उसका कोई तीर टारगेट पर लग रहा था अलबत् उसके तीरों ने इर्द गिर्द मौजूद कई अफराद को ज़मी कर दिया तो एक आदमी तीरों से बचने के लिए इस टारगेट के सामने जा कर खड़ा हो गया इसलिए हमें कहीं और जाने की बजाय सीधा इस पहाड़ी की चोटी की तरफ जाना होगा ताकि उनसे बचा जा सके इमरान ने जवाब देते हुए कहा आपकी बात दुरुस्त है कैप्टन शकील ने कहा इधर जी पी फाइव भी मौजूद है इसलिए हमें मज़ीद मोहतात रहना होगा सफदर ने कहा इमरान साहब मेरा ख़्याल है कि हमें घूम कर उनके उकब में जाना चाहिए इस तरह हम ज़्यादा महफूज रहेंगे सालिहा ने कहा जबकि मेरा ख्याल है कि तुम लेबॉर्टरी को फ़ौर उड़ा दो इससे जी पी फाइव और ब्लैक फाइटर्स दोनों इस धमाके के चक्कर में बढ़ जाएंगे और इस तरह हम आसानी से उन्हें मार करके अपना रास्ता बना सकते हैं जूलिया ने कहा मिस जूलिया की बात दुरुस्त है तनवीर जो अब तक खामोश था जूलिया की बात की हमायत करते हुए कहा मिस जूलिया की बात वाकई ही दुरुस्त है सफदर ने भी जूलिया की हमायत करते हुए कहा लेकिन धमाका होते ही यहाँ फौज पहुँच जाएगी और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा इसलिए हम धमाका उस वक्त करेंगे जब हम किसी महफूज मुकाम पर पहुँच जाएँ इमरान ने कहा ठीक है जूलिया ने कहा और फिर वो इस तरह चट्टानों की ओट लेते हुए पहाड़ी चोटी की तरफ बढ़ते चले गए लेकिन बावजूद कोशिश के उन्हें वहाँ किसी किस्म की कोई नकलो हरकत नज़र न आई और फिर थोड़ी देर बाद वो चोटी पर पहुँच गए यहाँ तो कोई नहीं है इमरान ने कहा मेरा ख्याल है कि ये लोग वापस चले गए हैं सफ्तर ने कहा मुझे तो जी पी फाइव की नकलोहरकत भी नज़र नहीं आ रही ये सब क्या हुआ है इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा और फिर उसने जेब से एक छोटा सा लेकिन जदीद साख का ट्रांसमीटर निकाला और इस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी हेलो मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट कॉलिंग कर्नल डेविड ओवर इमरान ने लहजा बदलकर कहा यस कर्नल डेविड चीफ ऑफ जी पी फाइव अटेंडिंग टू ऑवर चंद ट्रांसमीटर से कर्नल डेविड की आवाज़ सुनाई थी प्रेसिडेंट साहब से बात करें ओवर इमरान ने मिलिट्री सेक्रेटरी के लहजे में कहा यस yes, कराएं ओवर दूसरी तरफ से कहा किया हेलो ओवर इमरान ने इस बार सदर इसराइल की आवाज़ और लहजे में कहा यस सर कर्नल डेविड बोल रहा हूँ ओवर कर्नल डेविड ने इंतहाई नरम लेकिन किसी हद तक खुश आमिदाना लहजे में कहा पाकिस्तानी एजेंटों की क्या पोजीशन है और आप क्या कर रहे हैं आपने कोई रिपोर्ट ही नहीं दी ओवर इमरान ने कहा सर हम थ्यूना के जंगल में सेर ज़मीन लेबॉटरी की निगरानी कर रहे हैं जी पी फाइव के आदमियों ने जंगल को चारों तरफ से घेरा हुआ है जैसे ही पाकिस्तानी एजेंट यहाँ पहुँचेंगे हम उनका ख़ात्मा कर देंगे ओवर कर्नल डेविड ने कहा क्या आपको यकीन है कि पाकिस्तानी एजेंटों को भी इस लिबॉर्ट्री के बारे में इल्म हो चुका है और वो लोग यहाँ आएंगे? ओवर, इमरान ने सदर साहब के लहजे में कहा यस सर आप तो बेहतर जानते हैं कि ये लोग किसी न किसी तरह टारगेट को ट्रेस कर लेते हैं इसके अलावा हमने थीना से जंगल की तरफ आने वाले रास्ते पर भी खुफिया पैकिंग की हुई है ताकि किसी सूरत बचकर ना जा सके ओवर कर्नल डेविड ने कहा गुड शो मैं चाहता हूँ कि यह क्रेडिट आप ही हासिल करें इसलिए ब्लैक फाइटर्स क्या कर रही है ओवर। इमरान ने कहा मालूम नहीं जनाब हमारे दरमियान रबता नहीं है ओवर कर्नल डेविड ने कहा कर्नल गोस्टा की ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी तो आपको मालूम होगी ओवर। इमरान ने कहा यस सर ओवर कर्नल डेविड ने कहा और उसके साथ ही उसने फ्रीक्वेंसी बता दी ओके ओवर एंड ऑल इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया इसका मतलब है कि अगर हम क्यों ना जाते तो लामाला ये हमें चेक कर लेते सफर ने कहा लाइक कॉमेंट शेयर प्रेस दाइकन